प्रथम तहलका न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से है, जहां कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने प्रदेश की सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने धान की खरीद को लेकर प्रदेश की सरकार पर निशाना साधा। किरण चौधरी का कहना है कि धान खरीद को लेकर सरकार के दावे फेल हो गए हैं, ढंग से खरीद न होने से किसान परेशान है। किरण चौधरी ने मुख्यमंत्री के उपज खरीद के दावे पर सवाल उठाए हैं। किरण चौधरी का कहना है कि किसानों के लिए गठबंधन की सरकार मुसीबत बनी है, सरकार का सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है चंडीगढ़ से। एक बार फिर से आपको बता दें कि कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने प्रदेश की सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने धान की खरीद को लेकर प्रदेश की सरकार को निशाने पर लिया। किरण चौधरी का कहना है कि धान खरीद को लेकर सरकार के दावे फेल हो गए हैं, ढंग से खरीद न होने पर किसान परेशान है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के उपज खरीद के दावे पर किरण चौधरी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका कहना है कि किसानों के लिए गठबंधन की सरकार मुसीबत बन गई है और सरकार का सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया है। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कहना है कांग्रेस नेता किरण चौधरी का। हरियाणा में धान की खरीद के लिए सरकार के सारे दावे जो हैं वो फेल होते नज़र आ रहे हैं। यही हाल किसानों के साथ करा था जब गेहूं की खरीद हुई थी, और आज जो किसान जो हैं अपनी मंडी ट्रॉलियां ले के जो हैं वहां पे पहुंचे हैं, चारों मंडियों के अंदर कुरुक्षेत्रा, अम्बाला, इधर कैथल और करनाल के अंदर, यहां चारों मंडियों के अंदर भार रोष प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो है वहाँ पर खरीद पूरी तरह से हो ही नहीं रही है। कहा था कि एक एक दाने को खरीदा जाएगा, उस पर भी 33% जो है वो जो 33 क्विंटल जो है उसके ऊपर इन्होंने कैप लगा दी है। मुख्यमंत्री जी का मैं अभी एक वो पढ़ रही थी बयान, उन्होंने कहा था कि हम जो है पूरा जो है उपज जो है उसको खरीदेंगे, लेकिन सच्चाई ये है जो किसान भाइयों ने मुझे बताया कि उनके जो हैं फ़ोन के ऊपर मैसेज आ रहे हैं, मैसेज के ऊपर ये लिखा गया है कि 8 क्विंटल, किसी को 5 क्विंटल, किसी को 3 क्विंटल, कि इतना जो है आप मंडियों के अंदर लेकर आ जाओ। तो अब इस तरह से अगर जो है खरीद होगी और एक किसान जो है 250-300 क्विंटल अगर वो अभी अपनी नहीं बेच पाएगा तो किस तरह से काम चलेगा, और उसका भाड़ा ही इसका इतना लग जाएगा। तो पूरी तरह से मैं समझती हूँ ये सिस्टम जो है ये सरकार का ये पूरी तरह से फेल हो चुका है, और ये गठबंधन सरकार जो है किसानों के लिए एक मुसीबत जो है बनकर सामने खड़ी हो गई। इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि किस तरह से कार्रवाई करी जाए। साथ ही साथ ये जो 3 अध्यादेश अभी जो कानून जो बनाए हैं, काले कानून बनाए हैं, साफ नज़र आ रहा है कि अभी से ये हालात हैं, आने वाले समय के अंदर कितने गंभीर परिणाम जो हैं हमारे किसान भाइयों को भुगतने पड़ेंगे।